आगे तो नहीं आ रहा है, करिए तो इसके पहले तो नंबर किसका है? क्या ऑडियो आ ही नहीं रहा? पकड़ो, बोल रहे हैं वहाँ पे ऑडियो नहीं आ रहा, ऑडियो तो कैमरे में घुसा दो। ये काम किया गया, इससे प्रदूषण नहीं हो सकता है और लोगों को सुविधा होगी और हर प्रकार की सुविधा आप जानते हैं। पिछली बार भी बताया, नीचे रख भाई, जो इलेक्ट्रिकल बस था आज भी जो बस का नीचे कर गया है, हर तरह की सुविधा है और इलेक्शन का भी पूरा का पूरा ख्याल रखा गया है। बाकी आप जानते हैं कि जिस तरह से लोगों को बीमारी के इलाज के लिए इतना बड़े अस्पताल, उसमें काफी दिक्कतें थी, कम था, अब उसको ध्यान में रख करके आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो तय किया है, पहले से जो योजना बनी हुई है उसी में भी ये तय कर दिया कि हर एक दो लोगों को दिया जाएगा 2 लाख रुपए तक की मदद, और अधिकतम 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी एम्बुलेंस के लिए। तो उसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि इतने जल्दी 350 लोगों का हो गया और ये लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक पूरा जो कुछ भी है हर एक में 2 का वो पूरा हो जाएगा और 800 अभी कुछ दिन के बाद भी और होने वाला है, ये जैसा बताया गया कि अक्टूबर महीने तक वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से जो एम्बुलेंस की सुविधा हो जाएगी, जो देख रहे थे कि अभी जो कोरोना का दौर चला है उनको कहीं से भेजने में काफ़ी तरह की दिक्कतें आई थी, देख तो उसको भी देखते हुए, और कोरोना तो आज है, कल किसी भी प्रकार की बीमारी का कोई सामना करे तो उसको अस्पताल ले जाने में कोई दिक्कत नहीं, नंबर एक। और नंबर दो, दूसरी बात है कि जो एक्सीडेंट वगैरह होता है रोड्स पर, तो आप जानते ही हैं कि अब इतना ज़्यादा सड़क बन गया है, बहुत ही बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं, सब कुछ किया गया है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं सड़कों पर दुर्घटनाएँ होती हैं और अगर कोई उस इलाके का आदमी दुर्घटना का पीड़ित है तो उसको तत्काल इलाज के लिए, उसके बचाव के लिए अस्पताल वगैरह में पहुंचाना है, तो अगर एम्बुलेंस नहीं होने पर तो दिक्कत होती है, एक सीमित समय रहता है, अगर उस बीच में इलाज शुरू हो जाए तो उनके बचने की संभावना रहती है। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान, सिर्फ यही नहीं कि आज जो कोरोना की स्थिति में जो नौबत है या अन्य बीमारियों का भी, लेकिन साथ साथ एक्सीडेंट का भी कुछ मामला हो तो उसके लिए भी, तो ये शुरू किया गया ताकि ग्रामीण इलाकों में ये उपलब्ध रहे। इसी तरह से अन्य प्रकार से भी हम लोग कर रहे हैं।